तो दोस्तों सेम मुख्य हमको उत्तर द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो दोस्तों पूरा हाथ से तो हिलेगा नहीं है। अब देखो है। तो दोस्तों यहाँ पे श्री गुरु मोला जी की मूर्ति है, देख सकते हो आप इतनी घंटी, मतलब यार मैं गिन नहीं सकता इतनी घंटी को। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आज सब लोग? अरे पाप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, टाइम हो रहा है 9 बज रही है अभी, और धूप भी आ चुकी है एकदम मस्त, और आसमान आज पूरा साफ है सारी जगह से। तो आज हमारी तैयारी है सेम मुख्यम की तरफ। तो अभी मैंने मुँह हाथ नहीं धुला है, तो पहले मुँह हाथ धुलते हैं फिर आ जाएंगे हम सेम मुख्यम। तो मम्मी मैं और मेरा भाई आएगा सेम मुख्यम, तो पहले मुँह हाथ धुलते हैं फिर खाना खुना खाएंगे फिर चलते हैं अभी। तो दोस्तों फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ, मुँह भी मैंने धुल दिया है, तो अब चलते हैं। मम्मी लोग तैयार हो रहे हैं, फिर अब चलते हैं मुख्यम की ओर। तो दोस्तों जिस मंदिर में मैं जा रहा हूँ वहाँ का नाम मुख्यम बोलते हैं, नागराजा का मंदिर है वो, जो कि पांचवें धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो अब और नागराजा का मतलब होता है कि नागों के राजा। तो फिलहाल चलते हैं। तो दोस्तों अभी जान लगी मैं रोड पर चाबी लेके, क्योंकि अभी स्कूटी को स्टार्ट करना है। आजकल पाला पड़ता है सुबह, रात से रात को पाला पड़ता है, मतलब सुबह गाड़ी ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे आगे स्कूटी लगा रखी है हमने, तो पहले उसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले ही एक्सीलेटर मतलब स्टार्ट हो चुकी है, तो अब थोड़ी देर में चलेंगे हम। तो दोस्तों निकल चुके हैं सेम मुख्यम की तरफ, तो अब चलते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं खोडार पे, और यहाँ से एक रोड जाती है लमगांव के लिए, और एक रोड जाती है श्री सेम मुख्यम नागराज के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और ये रोड नीचे से ऊपर वाली रोड सेम मुख्यम के लिए, और ये लमगांव के लिए। और यहाँ से दो बजे जाती भी जा सकते हैं आप टीरी। तो दोस्तों अभी यहाँ पर दे रहे हैं थोड़ा सिरपल, क्योंकि वहाँ सिरपल चलाना जरूरी है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी है, देख तो आप एकदम, और ये भाई है, तो सिरपल ले लिया है, तो चलते हैं यहाँ से। और अभी तो काफ़ी दूर है ऊपर सेम मुख्यम। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे सेम मुख्यम पे, तो यहाँ पर देख सकते हो एक फील्ड है यहाँ पे, तो मैं अभी ऊपर जाना है, तो अभी चलते हैं। बहुत ज़्यादा है चलने के लिए ऊपर सेम मुख्यम, तो धीरे धीरे चलेंगे। तो दोस्तों अगर कोई यहाँ पे पैदल नहीं चल सकता, तो बहुत लंबा रास्ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे घोड़े खच्चर की व्यवस्था भी है। और यहाँ वहाँ से हमें ले लिया था प्रसाद, और ये पड़ा हमको 100 रुपये का। तो दोस्तों यहाँ की तो हालत ख़राब हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है यहाँ पे, और बहुत टॉप पे ये मंदिर है, तो सांस ही फूल रही है, और ना भयंकर ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। तो चलते हैं अभी। तो दोस्तों सेम मुख्यम को उत्तर द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम एक जगह पे, यहाँ पे देख सकते हो आप बैठने के लिए बना रखे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी घंटी लगी हुई है, आगे तक देख पाओ। तो दोस्तों अब थोड़ी सी दूर पे मंदिर, तो आगे जा रहे हैं भाई, और सबसे आगे तो मम्मी चली गई है, सबसे पीछे मैं ही हूँ। तभी ज़्यादा दूर नहीं मंदिर, पास ही पे है। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम बहुत सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कहीं मंदिर में नहीं मिलेगी, देख सकते हो आप यहाँ पे हर जगह पे घंटी घंटी है, मतलब जो भी यहाँ आते हैं तो घंटी चला जाते हैं सब लोग। सारी जगह जितनी आपको सीढ़ी दिख रही है यहाँ से, जो जितनी शुरू होती है सारी जगह में घंटी लगी हुई है। तो दोस्तों आप अब सिनेमैटिक का मजा लें। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इस पेड़ पे घंटी लगी हुई है, और यहाँ पे ऊपर आप बहुत ज़्यादा घंटी लगी हुई है, उत्तर की द्वारिका सेम नागराजा पांचवा धाम लिखा हुआ ऊपर, तो यहाँ पे अब घंटी हो जाते हैं। तो अब चलते हैं आगे की, और देख सकते हो कितनी ज़्यादा घंटी है यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे, आप सामने पर देख सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ के, एकदम खतरनाक बना रखे ऊपर कृष्ण भगवान है, और यहाँ पे फोटो बन रखी है देख सकते हो आप यहाँ पे।
दोस्तों पहुंच चुके हैं यहाँ पे और मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। देख तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा ही है और पहले अंदर चलते हैं, मम्मी लोग अंदर जा रखे हैं तो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे सिरपल था वो हम यहाँ पे देंगे सिरपल। तो दोस्तों इस मंदिर में घंटी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो आप इतनी घंटी, मतलब यार मैं गिन नहीं सकता इतनी घंटी को, बहुत ज़्यादा घंटी है। तो अभी जा रहे हैं हम आगे की ओर, मतलब इस मंदिर में बहुत ज़्यादा घंटियाँ हैं, हर जगह पे घंटियाँ हैं। तो यहाँ पे पेड़ है, इस पे हे बांध रखा है, क्या बोलते इसका नाम। तो दोस्तों यहाँ पे श्री गम गुरु मोला जी की मूर्ति मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम डुकी डुकी डे, वहाँ का नाम कुछ ऐसी है, तो अगर मैं ऐसा ही नहीं बोल पा रहा हूँ तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे, जहाँ वो पत्थर हिलता है हाथ से। तो अभी चलते हैं, तो वहाँ हमें जूते पहन के जाने, अभी हमने जूते उतार रखे हैं तो हमें जूते पहन के जाना है, चलते हैं अभी। वहाँ भाई ने दिया दीपक दीपक लगा दिया, तो चलते हैं अभी। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं वहाँ पे, जहाँ वो पत्थर हिलता है, तो चलते हैं अभी। और यहाँ से जाना, अभी हमने जूते पहन लिए है, तो देखते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है बस, डूगी डूगी सेम है वहाँ का नाम, जहाँ पत्थर हिलता है। आपने बहुत न्यूज़ बहुत ब्लॉग में देखा होगा, तो चलते हैं अभी वहाँ पे। और यहाँ से बहुत ज़्यादा खतरनाक नज़ारा दिखता है नीचे का, आप देख सकते हो हम बहुत दूर से आए हैं, तो अब जल्द जल्द चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हम मंदिर में आ रखे थे और अभी जा रहे हैं हम डुगडुगी के पास, जहाँ पे पत्थर हिलता है जो हाथ से। और मंदिर में एक कुत्ता था, वो कुत्ता हमारे साथ चलने लग गया है, मतलब भगवान भी होते हैं, देख सकते हो आप। एक कुत्ता मतलब उसी रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते में हम जा रहे हैं, और ये सबसे आगे जा रहा है, जो कि हमको नीचे मंदिर में मिला था और वहीं से हमारे साथ आ रहा है कुत्ता, कुत्ता भी ट्रैवल कर रहा है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं वहाँ पे और कुत्ते ने एकदम सही रास्ते में लाए, देख सकते हो आप कुत्ता सबसे आगे जा रहा है। हमने सोचा पहले कि भटक गए हम, कुत्ता हमको ऊपर देख रहा है, मतलब यार पहले मैंने सोचा कि कहीं गलत रास्ते ले जा रहा है। फिर तो आपको दिखाते हैं, पत्थर हिलता है वो, अगर किसी के मन में श्रद्धा है तो पक्का हिलेगा, तो देखते हैं जरा क्या होता है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं यहाँ पे और ये पेड़ है, इसमें इसे ये बांझ का पेड़ है, तो ये पत्थर है यहाँ पे, और कुत्ते ने एकदम सही रास्ता लाया, देख सकते हो ये कुत्ता है वो। तो ये पत्थर है और यहाँ पे पत्थर थोड़े छोटे छोटे हैं, देख सकते हो यहाँ से नीचे कुछ दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले लगाना है दीपक, तो भाई लगा रहा है दीपक। तो ये पत्थर है वो, पहले दीपक लगाते हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ पे जल चुकी है धूप, तो दोस्तों हिल रहा है, देख सकते हो आप यहाँ। तो दोस्तों पक्का हिल रहा है पत्थर, देखो गाइस। तो हम मतलब ऐसे में देखो, अब पूरे हाथ से हिलेगा, देखो अब ऐसे में देखो, नहीं हिल रहा। तो दोस्तों पूरे हाथ से तो हिलेगा नहीं है, नहीं हिल रहा। अब देखो तो ये पूरा हिल रहा है, तो दोस्तों ये हिल रहा है यहाँ पे पत्थर। दूसरी साइड से देखते हैं जरा, दूसरी साइड से भी है, दूसरी साइड से देखते हैं क्या है, यहाँ से हिला के देखते हैं एक बार। तो दोस्तों मेरे टाइम में तो बहुत ज्यादा हिल रहा है पत्थर, देख सकते हो आप यहाँ, देख सकते हो मैंने एक उंगली लगा रखी है, मतलब पूरा पत्थर हिल रहा है। तो दोस्तों हम जान लेंगे अब यहाँ से, तो पहले जूते पहनते हैं फिर चलते हैं अब। तो दोस्तों पहन लिए हमने जूते, तो अभी जा रहे हैं हम घर की ओर। और कुत्ता इतना खतरनाक है, रास्ता दिखाने के लिए तो आया, और अभी नीचे ये कुत्ता, तो अभी हम
चल ही रहे हैं, अभी तो बहुत नीचे जाना है हमें। तो दोस्तों अब जान लगे हम घर की और हमने भगवान से एक मन्नत मांगी है कि अगली बार हम यहाँ फिर से आएंगे, और अगर मेरे उस टाइम तक 2K या 1K सब्सक्राइबर हो गया और आज टाइम 4 हो गया तो अगली बार हम यहाँ फिर से आएंगे। और यहाँ एक मेला होता है वो 11 अगस्त बैसाख शायद इसी टाइम पर होता है, अगर मैं गलत बोलूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कब होता है। तो आप जा रहे हैं हम घर की और तो अगली बार ज़रूर आएंगे हम यहाँ पर। दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से, तो भगवान अगली बार हम ज़रूर आएंगे। तो लास्ट बार एक बार घंटी बजा देते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं घर की और अगली बार हम यहाँ ज़रूर आएंगे, पापा भगवान की कृपा से 1K सब्सक्राइबर और 4 घंटों के बाद टाइम पूरा होना चाहिए। तो अब चलते हैं घर की और। तो दोस्तों यहाँ श्री कृष्ण भगवान की पूजा होती है और ये टीरी गोडाल में ये मंदिर है और ये पांचवें धाम के नाम से भी जाना जाता है, आपने सुना होगा कभी। सेम तो दोस्तों पहुंच चुके हैं यहाँ पे जहाँ से हम ऊपर गए थे, तो बहुत ज़्यादा भागे वहाँ से। और यहाँ पे पहले एक घंटी बजाते हैं। तो दोस्तों ऊपर ही मूर्ति थी गाँव गुरु मोहल्ले की और यहाँ भी मूर्ति है, देख सकते हो आप वहाँ पे। मैंने जूते पहने कि तो वहाँ मैं जा नहीं सकता साइड से। और वहाँ पे जो गाँव गुरु मोहल्ले उन्होंने तपस्या की थी यहाँ पे, तो उनकी मूर्ति बन रखी है, उन्होंने कई सालों से तपस्या की थी यहाँ पे। तो अब जा रहे हैं हम घर की और तो दोस्तों बैठ चुका हूँ मैं भी स्कूटी में और अब जा रहे हैं घर की और तो आपके साथ मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक आप वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों पहुँच के हम धांतरी में, तो हालत ख़राब हो चुकी है, मतलब बहुत लंबा रास्ता था। तो अभी टाइम 2 बज रही है, तो अब यहाँ से आएंगे हम घर थोड़ी देर में, मुझे भी यहाँ वीडियो अपलोड करनी है। तो पहले कुछ खाते हैं फिर चलते हैं वीडियो अपलोड करने। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम अभी घर पे, तो स्कूटी नीचे लगा दी है, तो अब चलते हैं ऊपर घर पे। तो बहुत ज़्यादा थक लग चुकी है, मुझे लग रहा है कि आवाज़ में चेंज आ गया है, तो चलते हैं अभी।